समस्त सतेज भरा नमस्कार मुझ कमलाकांत सतेज सकाल आउ एक फ्रेश एपिसोड को स्वागत बिल्कुल कमलाकांत मुझे स्वागत करी आम दर्शक मानक सतेज सकाल आउ एक फ्रेश एपिसोड जमीक आम सतेज सकाल प्रत्येक दिन अनेक गुड़े खबरकगज को लेकिन खबरकगज गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना करूँ सेमती आज आलोचना करवा तेज कमलाकांत नजर पकड़ा जो आम आज कौन कौन सब खबर नौचे नि देखा चाषी कथा ही रही मुख्य खबर प्राय आंध्र को बोहिले धान अभावी बिक्री आरंभ होती 19,000 चाषी को बर्तमान भी टोकन मिलनी बालेश्वर कथा कहतु बरगढ़ कथा कहतु विभिन्न जिलूर ए संपर्कित तो खबर आसूँ और खबर कागज यहाँ प्रमुखतार सह निपरि जीवन नेवापर भी पशुनी चेता राजधानी में काय मलाऊँगी डेंगू वार्ड वार्ड डेंगू एवं सब बड़ कथा हूँ अधिकारी मैंने कर्पोरेटर कथा शुणा एभली अभोग भी आसूँ और मेयर भी बेफिकर रही बसी एभली संगीन अभोग भी आसूँ बिल्कुल कमलाकांत ता सहित रही ओडिशा रे हस्तशिल्प समस्या और संभावना उपरे आलोचना करबा एवं या सहित रही शताधिकको तालिका धरी बुलुची गणशिक्षा विभाग नकली शिक्षक हाउज होती रिपोर्ट देना डीओ डीपीसी बीओ ये खबर उपरे आलोचना करबा या सहित आउ एक खबर रही 19,000 फुट उच्च नागार्जुन बेसर पट्टचित्र किलिमांजोर पर्वत श्रृंग में रघुराजपुर चिन्मय पहुंची प्रभु जगन्नाथों पट्टचित्र कोई पहुंची ए बाबद आलोचना करवा अनेक गुड़े खबर रही कि प्रथम खबर हिसाब से आम कमलाकांत जाऊे जमी चाषी कथा कहते समस्या कथा कहते जे ये केवल जे आज समस्या ता नुहे वर्ष तमाम लगातार चाषी समस्या लगि रही रवि ऋतु खरीफ ऋतु सबुथे चाषी मैंने हंतसंत हमें टोकन समस्या देखादे या सहित कटनी छटनी धानर मंडी समस्या बा मिलर्स मानक मनमानी ये सबू को नहीं चाषी बारंबार अभियोग करुच्छे किंतु राज्य सरकार एथप्रति कौन प्रकार दृष्टि देना कौन प्रकार स्थायी समाधान होती कि वर्तमान आंध्र को बाध्य चाषी मैंने निजर अमल कर धान को बिक्री करबद्रे आलोचना करवा बालेश्वर संजय महाली आम प्रतिनिधि जोड़ी होती और सुरेन्द्र बारिक झारसुगुड़ आम प्रतिनिधि जोड़ी होती प्रथम सुरेन्द्र पाखक जावाई चाहबू सुरेन्द्र बर्तमान राज्य चाषी माने आंध्र को धान देवाई आंध्र व्यवसायी मान को धान दे जो घटनाटी घटी बरगढ़ में आम देखी जे राज्य जोगाण अधिकारी माने आसी विभाग अधिकारी माने आसिले से गाड़ी गुड़ी को अटकाउले अंत एम जो समाधान बाहर करने कथा तार समाधान बाहर नक एभली नालियाखी कहीं चाषी को देखाऊँ निश्चित भाव आम चिन्मयी कहीपर जे राज्य केमी धान किणा बिका चली तार गुमर जो पिपा सिस्टम अच्छे तार तथ्य रू हिं जमापड़ी जदि आम कंपैरिजन करवा ओडिशा सहित पड़ोसी आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना जदि आम 2015-16 खरीफ मार्केटिंग सीजन रु 2020-21 खरीफ मार्केटिंग सीजन जदि आम कंपैरिजन करवा तेलंगाना रे जो चाषी संख्या विगत 5 वर्ष 296% वृद्धि पाई से भली आंध्र प्रदेश में 188% एवं छत्तीसगढ़ में 90% वृद्धि पाई किंतु ओडिशा रे मात्र 29% ही वृद्धि पाई तो एथिरु ही स्पष्ट अच्छी राज्य में केमी चाषी मैंने एमएसपी रे दर पाइपार जो राज्य सरकार जो पेटी प्रोक्रमेंट ऑटोमेशन सिस्टम पीपास कर गुड़ाए तमें क्लंजी रोची जद्वारा कि चाषी मैंने रेजिट्रेसन करदी आम चलित रबि सीजन रहा कह जो रेजिट्रेसन जो जमी किसम अच्छे आशा किसम है कि मसा किसम है जोटा आर्ट साधारण कहते कि माल साधारण कहते चाषी मानक जलसेचन सुविधा थे रेजिट्रेसन हो पारे तो चाषी मैंने बाध्य सरकार कौ प्रोसेस धान किणवे एक नजरअंदाज कैर जीवन जीविका केमी धान चाष सठिक भाव में अमल हम एपाय से संपूर्ण भाव में निजक प्रस्तुत करे कि अमल कर सारापर ये सरकारी व्यवस्था ये रूल रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन एत कथ चाषी टे बुझे चाषी चाहे जो अमल कर सठिक समय सठिक मूल्य बिक्री हो किंतु सरकार अंत तो या बुझा दरकार एत प्रोसेस मिलर को मनमानी या भितर चाषी टे कहीं सब हईरा हरकत हे
देखो जी आम ओडार जब आम कथ देखा तो ओडार मिलन मर्जी में बर्तमान धान किणा बिका चली आम कहूनु जब ग्राउंड रियालीटी देखा चाषी मैंने अभियोग करोधी हेल्ले अभियोग कर तो गत पांच वर्ष तेल गोटे टीम छत्तीशगढ़ जाइए जे से कमी पेडी प्रोक्रमेंट चली आम छत्तीशगढ़ कथ चिंता करवा तार आयतन दृष्टिकोण कथ कहतु कि चाषी संख्या दृष्टिकोण कहतु से बहुत कम अच्छी कि चलित बर्ष जदि आम कथा कह समग्र जब छत्तीसगढ़ 30 लाख चाषी अच्छा 22 लाख पाखापाखि चाषी से MSP द्वारा लाभ पाई किड़शार पाखापाखि 48 लाख ऊर्ध चाषी अच्छा केवल मात्र 13 लाख चाषी लाभ पाँच तो निश्चित भाव ये तथ्य ही राज्य सरकार गुमर खोली देती कि भली गत 5 वर्ष तेलेंगाना जब 296% चाषी संख्या वृद्धि पाँच आंध्र प्रदेश में 188% वृद्धि पाँच और छत्तीसगढ़ में 90% वृद्धि पाँच बालेश्वर मध्य संजय महाली आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि संजय बालेश्वर मध्य समान समस्या देखा देखी बा वर्तमान चाषी को टोकन मिलूना जो कि किसी दिन पूर्व आम खबर देखाऊ पश्चिम ओडिशार व्यवसायी मैंने आसुंच आ बालेश्वर जिलार जो बॉर्डर अंचल रही चाषी धान किणी नौ देखंतु चिन्मयी वर्तमान गोटे राज्य गोटे बड़ आलोचना होजी जे राज्य सरकार बा राज्य जो नेता मान रही सरकारी दलर नेता मान रही से माने कहते कि जो केंद्र सरकार जो भली भाव में धान सहायक मूल्य बा MSP जो वृद्धि कले 100 टका चाषी प्रभाव पड़े नहीं यह निश्चित भाव में प्रभाव पड़ो कारण देखूँ जितेबाला चाषी ये जो धान बिकार जो MSP वृद्धि केंद्र सरकार किंतु चाषी सठिक भाव अमल जो बिक्री कर पार ना राज्य जो तमाम जिला कथा कहतु राज्य कथा कहतु एवं बालेश्वर विशेष भाव बालेश्वर तमाम ब्लॉक रे चाषी समस्या सह जुझुचार होती चाषी मैंने कारण अनेक समय आप देखुए लुणा पा माड़ जाऊँगी चाष जमी नष्ट होने चाष कर पार ना मिलर मानक मनमानी रोचे और धान चाषर जो टोकन ठीक समय पाईपार ना मंडी अव्यवस्था रोचे ये अनेक समस्या रही जो मैंने जो जो कि चाषी मैंने ठीक समय से चाष को अमल करी बिक्री करती से धान सहायक मूल्य पाईपार ना किंतु अपरपक्ष राज्य सरकार और नेता मैंने कहते कि चाषी को यह प्रभाव पड़े जदि चाषी मैंने सहायक मूल्य पाईपारते चाषी मैंने धान बिक्री कर जो अमल धान को बिक्री करते हैं निश्चित भाव से लाभ पाईपारते कि सबुठ आश्चर्य आड़म्बनार कथा हो चाषी मैंने धान को बिक्री ही करी पारना आपड़ देखिथे पश्चिम बंगर जो भाई भाव में जो धान बेपारी मैंने अच्छा कि 1200 आ 1300 टका धान को बोही नौ आप देखिथे नीलगिरी चाषी आ बाहनगार चाषी मैंने कि भाव में एवं भी धारणा बस टोकन पाइक भी धान बिक्री कर अनेक समस्या सह जुझुच्च धान चाषी मैंने कि राज्य सरकार जिला प्रशासन समस्या समाधान ना धरनी वर्ष वर्ष धरी सामान समस्या लग रही बारंबार से राजरास्ता को आसुछंती किंतु कौन सी प्रकार स्थायी प्रतिकार से किंतु एपटे राज्य सरकार अनेक समय केन्द्र सरकार को दोष लदालदी होती चाषी टीए भितर बड़ पड़ू बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपंकर तमाम सूचना पर संजय समस्त सूचना अन्नदाता शिक्षकों कथा कि नकली शिक्षकों कथा चिंता बढ़ाऊँ कारण शताधिकों तालिका धरी गणशिक्षा विभाग बुलू नकली शिक्षक हाउज किंतु रिपोर्ट देना डीओ DPC और BO एक केन्दुझर बालेश्वर खोर्धा सबू जिलूर आसूसी कि देखा जे भली अभियोग आसापर स्कूल हत्या माड़ना कि कार्यानुष्ठान जाऊन यह संगीन अभियोग आसूसी अधिक आलोचना आम सहित भुवनेश्वर अभिनय आशुतोष रही सहित मनोज रही तबे अभिनय आपण भाव प्रथम जावाप चाहिए जे प्रकृतर रिपोर्ट जो देना नहीं सन्देह तो बढ़ुच्ची प्रकृतर यो कारबार नकली सर्टिफिकेट कारबार से संपृक्ति थपे से पछघुंचा दे निश्चित भाव कमलाकांत देखु जोपर भाव में गणशिक्षा विभाग मालामाला जो नकली शिक्षक को धरी बोलूँपर भाव निजुक्ति समय ही से जांच करा जाऊना जार परिणाम शताधिक
जो शिक्षक रही नकल शिक्षक रही आजिकाली उपात अंचल क्या कहतु जो भुवनेश्वर रही खोर्धा रही बालेश्वर रही अंचल क्या कहतु सबुठ मलामाल नकली शिक्षक घूरी बुलूं जो डीपीओ डीसीओ और डीओ रही गणशिक्षा विभाग बारंबार जांच रिपोर्ट मागुचे किंतु कौन भाव में से जांच रिपोर्ट देना षाठी ऊर्ध जो रही नकल शिक्षक बंधा है तापर जो गणशिक्षा विभाग रही मुंडे चेता पशुनि जो जांच रिपोर्ट मगा जाने रिपोर्ट दे देना जदि जो निजुक्ति जो शिक्षक मैंने निजुक्ति से निजुक्ति समय ही सब जो कागज पत्र रही सेगुड़ा जांच कराता तेज जो नकली शिक्षक रही निजुक्ति हो न कमलाकांत निहत भावे आम कोरापुट को जी मनोज दास आम प्रतिनिधि रही मनोज कोरापुटर स्थिति कौन से यही अभियोग आसूँ निश्चित रूप कमलाकांत देखो आम किसी दिन पूर्व खबर प्रसारण करूँ जो रायगढ़ जिला कथ कह अभिभक्त कोरापुट भितर जो चार जिला रही से भितर रायगढ़ रही रायगढ़ कथा जदि कह से शिक्षा विभाग तरफ कौन प्रकार सठिक पदक्षेप नि जाऊन कहीं देखो सेठी अनेक शिक्षक शिक्षयत्री एमती अच्छा जो मैं आर टी आई तथ्य हिसाब से बीओ को डीओ को जाकि तथ्य दि जाए किए शिक्षक मान जाल सर्टिफिकेट रही प्रमाणपत्र रही शिक्षक हाँप योग्य नुहत जो योग्य शिक्षक मैंने से बर्तमान तालिकार सामिल हो पार कि चाकरी पाई पार ना जहाँफल कि अधिकांश जो कोरापुट जिलार आदिवासी कथ पा अंचल पिला कथ कह पाठ पढ़ा वंचित होता सहित जदि कह देखो जितेबाला शिक्षा विभाग तरफ अनेक स्कूल को बंद कर दिगला छात्र छात्री कम्रु छात्र छात्री अभाव बंद कर दिगला अगर स्कूल में मर्ज कर दिगला कि शिक्षा विभाग आ गुरुत्व दबार निहाती आवश्यकता रही है कि जितेबाला अगर स्कूल में मर्ज कर दि जाए भित्तिमि अच्छी कि ना पिला आवश्यकता हिसाब से पिला संख्या हिसाब से जितकि शिक्षक रहा कथ से हिसाब से पिला शिक्षक शिक्षक स्ट्रेंथ अच्छी ना ये सब उपर नजर देवा कथ देखो बर्तमान जयपुर सहर कथ कह ये अनेक स्कूल रही आम किसी दिन पूर्व खबर प्रसारण करूँ कि पिला छात्र छात्री संख्या अधिक रही कि शिक्षक कम रही गोटे क्लास प्रथम श्रेणी आरंभ कर पंचम श्रेणी पर्यटन पिला पाठ पढ़ुंट तो से जो तीन जन शिक्षक सहित पांचज पांचटी श्रेणीगृह आवश्यकता रही है से प्रकार श्रेणी आवश्यकता हिसाब से पिला सुविधा पहुंची पाने तो निहाती भाव में छात्र छात्री मैंने जो गुणात्मक शिक्षा पाइबार आवश्यकता रही है सी शिक्षा वंचित होता सहित कह शिक्षा विभाग कहीं पदक्षेप नौनि कहीं गुरुत्वर सहित ये जो नकली शिक्षक को लेकिन जाल जो सर्टिफिकेट को लेकर से पाखे तथ्य रही शिक्षा विभाग तरफ कौन प्रकार सेमती पदक्षेप देखा मिले सन्देह भी बढ़ुच्छी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज रही अभिनव आशुतोष भी रही है अधिक अपडेट दौले जे कि भाव में नकली शिक्षक को लेकिन वर्तमान चिंता और कार्यानुषान होता ही सब बे चिंता बढ़ाई चिन्मय भुवनेश्वर राजधानी में डेंगू रोगी चिन्हट होती जदिओ सरकारी स्तर में वर्तमान सुधा मात्र पांचरु छह जन रोगी चिन्हट होती किंतु बेसरकारी हिसाब से जदि देखा जाए तो अनेक संख्य रोगी वर्तमान सामना को आसिले कि बर्तमान जदि देखा जाए भुवनेश्वर बा राजधानी अनेक ड्रेन गुड़िक जो भली भाव में सफा हवा कथा एवं मशा तेल पड़ा कथा सठिक भाव में कराई आग को आहुरी बर्षा दिन रही जदि पानी जमी रुहे ताहले स्थिति भयावह हो पारे जो कि बर्तमान सबुठ चिंताजनक विषय या भितर जहाँ चर्चा हो नूतन कर निर्वाचित होता कॉर्पोरेटर मान कथा अधिकारी शुणुना एवं जो आज कॉर्पोरेशन बैठक जाऊँगी प्रथम थरपाई समस्त कॉर्पोरेटर निर्वाचित होता नुआ कॉर्पोरेटर एवं महिला मेयर सहित आज तक बैठक बस बैठक में मुख्य प्रसंग जहाँ हम जे डेंगू उपरे आलोचना हो पारे बाबद्रे आलोचना करने आम सहित अभिनय आदित्य आम प्रतिनिधि जोड़ी होती भुवनेश्वर अभिनय जानवापी चाहबू जे आज कॉर्पोरेशन बैठक बस जहाँ सूचना रही डेंगू को मुख्य प्रसंग करपाई कि रणनीति प्रस्तुत करागला किमी मुकाबला करा जिबो कारण जो मशा तेल कथा कह तेल जदि ड्रेन गुड़िक पड़ू ताल ई समुद्र को संखे निश्चित भाव चिन्मय देखूँ राजधानीवासी डेंगू एक चिंतार विषय पलटि एक प्रकार जून और जुलाई मेसर यह काय विस्तार करता है एपर्यंत सरकारी सूचना अनुजाई मात्र पाँच रु छः जन डेंगू रोगी चिन्हट होती किंतु बेसरकारी अनुजाई यह शतक पार होपर भाव में जून और जुलाई मस डेंगू रोग हो जो डेंगू मशा प्राधिकरण मात्राधिक रही है गत वर्ष सरकारी सूचना अनुजाई 2000 रु अधिक डेंगू रोगी चिन्हट होते किंतु बेसरकारी अनुजाई
6000 ବା 7000 ପାର ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଏମ୍ସି ମୁଣ୍ଡରେ ନିଘା ପଶୁନାହିଁ ମଧ୍ୟ କାଲି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି ଏହି ଡେଙ୍ଗୁରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଡିସିପି ସୁଦର୍ଶନ ସେଠୀ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁରେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ଏ ନେଇ କୌଣସି ସଚେତନ ହେଉନାହିଁ ଯେପରି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ମୌସୁମୀ ଆସୁଛି ମୌସୁମୀ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିବ ଓ ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରାଯାଉନାହିଁ ଯାହାକି ଡେଙ୍ଗୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିବ। प्राथमिक स्तर रे आज जेहेतु मेयर माने कॉर्पोरेटर माने बसुछंती मेयर मध्य राजधानी रा समस्त वार्ड टू वार्ड बुली देखिछंती स्थिति केमती रहिछि कोन निष्पत्ति निया जाउछि ता उपरे समस्तक नजर रहबो। बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर तमाम सूचना पई। तबे चिन्मय परवर्ती खबर रहिछि ओडिसा रे हस्तशिल्प तार समस्या एवं संभावना केमिति रही एक एडिटोरियल प्रकाश पाई प्रकृत में ई कमर्स इंटरनेट जोगे बजार बिक्री करिपारिबार ज्ञानकौशल अभाव रोचे प्रकृत मार्गदर्शन अभाव रोचे हस्तशिल्प हस्तशिल्प जो बजार रही से स्वच्छतार अभाव हस्तशिल्पी मानू निरुत्साहित करुच्ची खास करके ओडिशार अनेक संभावना रही आमर कला निहाती भाव में पूरा विश्व लोक मैंने आहरी अधिक जापारते जदि राज्य सरकार आउ टे चेष्टा करते आउ टे आनुषंगिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते तेब आम सहित बरगढ़ मनीष रही आम पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ सुरेंद्र बारिक रही तेब प्रथम बरगढ़ को जीपाई चाहिए मनीष रही मनीष जदि कह प्रकृत में जहाँ एडिटोरियल अनेक तथ्य भी दि जाए प्रकृत में संभावना रही किंतु सुजोग सृष्टि कर राज्य सरकार टिके विफल होती आमर जो रही शिल्पी मान रही से पचर पड़ जा ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଭରି ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଚାହିଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି। ଯୋଉ ସୋନପୁରର ଶାଢ଼ୀ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ ନେଇକି ବଲିଉଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଏହାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉ ରେଶମ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ବା ଯୋଉ ସୂତା ଦେବା କଥା ବା ସୂତା କଟା ମେସିନ୍ ଦେବା କଥା, ଏଥି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା କଥା, ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା କଥା ଏବଂ ସେଥିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଏହି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ବା ଯୋଉ ଇ ମାର୍କେଟିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇ ମାର୍କେଟିଂ ଏବେ ଖୋଲି ପାରୁନାହିଁ, ଯୋଉ ମାନେ ବୁଣାକାର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ବି ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବଡ ବଡ ସୋରୁମ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ସୋରୁମ ଗୁଡିକର ମାଲିକ କଞ୍ଚାମାଲ କିଛି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କରିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ସାଧାରଣ ମାଛରେ ସେମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ସୋରୁମରୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡିକ ବିକ୍ରି ହଉଛି ତାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପ୍ରଫିଟ କମାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ମନୀଷ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। आम पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ सुरेन्द्र बारिक जोड़ सुरेन्द्र आप पश्चिम ओडिशा अनेक स्थान देखी प्रकृत हस्तशिल्प कथा जी देखा तेरे आमर हस्तशिल्प प्राय विश्व अन्य कौनसी हस्तशिल्प ठू ढेर आगे रही पार कथा किंतु से सुजोग मिलूनी और जो मैंने प्रकृत अर्थ पाया कथा आम शिल्पी मैंने बुणाकार मैंने कि अर्थ पाना निश्चित भाव कमलाकांत आम कहीपर जे केन्द्र सरकार जो हैंडीक्राफ्ट कथा कहतु कि हैंडलूम कथा कहतु से जो कारीगर मैंने अच्छा केमी लाभ पाइपर से तो कोटि कोटि टाँग खर्च करदी आम ओडार जदि आम कथ कह जेहेतु पश्चिम ओडिशे हैंडलूम समबलपुरी शाढ़ी को नहीं प्रसिद्ध लाभ कर तो केन्द्र सरकार पंचम अनुष्ठान हिसाब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बरगढ़ में स्थापना करिसेंती। तार पूर्वरो गुवाहाटी सालेम रे थिला तो पंचम इंस्टीट्यूट हिसाब से बरगढ़ में स्थापन करिसेंती। अन्य पक्ष जदि आम देखा हैंडलूम को केमती विकास हो पार से नहीं कर आईएम संबलपुर और ई कमर्स प्लाटफर्म जो फ्लिपकार्ट अच्छी भितर हेल्ले गोटे एमयू साइन होता और केमती कारीगर मैंने मॉडर्न डिजाइन में काम करेंगे और तार बिक्रीपटा केमती हो पार से नहीं कर एमयू साइन होता कितु जब आम ओवरअल जब आम ओडार कथा देखा अनेक संभावना अच्छी किंतु समस्या हेल्ले अनेक अच्छी। कारण जो तृणमूल स्तर में जो कारीगर मैंने जिते सुविधा पाइबा कथा जो योजना उपरे सुविधा मिलवा कथा से ग्राउंड में मिल पार्टी बड़ समस्या रही संभावना अनेक संभावना अच्छी सत्यवत जब देखा
ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲେ ସବୁଠି ସେଇ ସମ୍ଭାବନା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କଥା ବି ଆସୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ହେଉଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଗୋଟେ ଗନ୍ତାଘର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଉ କାରିଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 5000 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ହିଁ ପରିବାର ଚଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଉ ମଝିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ବୁଣାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ବାସ୍ତବ ସତ କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦିନ ଦିନକୁ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ କଳା ଅଛି, କଳା ମାନେ ଚାହିଦା ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମୁଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତାର ଉଚିତ ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉ ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି ଯେ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ହସ୍ତତନ୍ତ ତିଆରି କପଡ଼ା ପରିଧାନ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅତି କମ୍ରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଣାକାର ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆମ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରହିଥିଲେ, ମନୀଷ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବି ରହିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଲକୁଲ କମଳାକାନ୍ତ, ଆଉ ଏକ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା, ଖୁସିର କଥା ଯେ 19,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ପୁରୀର ବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ, ଏବଂ ସେ କିଲିମାଞ୍ଜୋର ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ରଘୁରାଜପୁରର ତାଙ୍କ ଗାଁ ହେଉଛି ରଘୁରାଜପୁର, ଏବଂ ସେ କିଲିମାଞ୍ଜୋର ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କର ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା ଯେ ସେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଶୃଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କରୋନା ପାଇଁ ଯଦିଓ ସେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଯାଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନିଥାଏ। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଲୋକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ମୟ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନିଥାଏ, ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ସତରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୁରୀର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ରଘୁରାଜପୁର, ରଘୁରାଜପୁରର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଚିନ୍ମୟ ମହାରଣା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 19,341 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ସେ ଚଢ଼ିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ମାସ 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ପୁରୀକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଏହା ଆମ ପୁରୀ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗର୍ବ, କାରଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗର୍ବ, ଭାରତର ଭାରତବାସୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗର୍ବ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ପର୍ବତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଥିଲେ, 6,000 ଫୁଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ି 75 ମିଟର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ସେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ମୟ ମହାରଣାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗର୍ବ ସାଜିଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବା। ଚିନ୍ମୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।